त्योहारों का सीजन चल रहा है और बाजारों में मिठाइयों और खाद्य पदार्थ जम कर बिक रहे हैं, लेकिन जो मिठाइयों और खाद्य पीने का सामान बिक रहा है वो ठीक भी है या नहीं, ये शायद कोई नहीं जानता। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग सोलन में अलर्ट हुआ है और सोलन में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस मौके पर कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि त्योहारी सीजन के चलते दुकानदारों ने भारी मात्रा में मिठाइयां स्टोर करके रखी हैं, जिनकी गुणवत्ता पर कई सवाल उठ रहे हैं। मौके पर भी कई दुकानों से ऐसी मिठाइयां स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ लगी, जिसके ऊपर ना तो कंपनी का नाम पता था और न ही किसी की मोहर, जिसके स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल भरकर उन्हें रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि सोलन में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नजर रखने वाले अधिकारियों की भारी कमी है। अब दिवाली का त्योहार बेहद नजदीक है, तो विभाग द्वारा अब सिरमौर से कुछ जांच अधिकारियों को बुलाया गया है। ऐसे में अब जो सैंपल भरे जाएंगे उनकी रिपोर्ट तब आएगी जब ग्राहक उस मिठाई को खा चुके होंगे। इस मौके पर बात करते हुए जांच अधिकारी एलडी ठाकुर ने बताया कि उन्होंने दिवाली को देखते हुए विभिन्न मिठाइयों के सैंपल भरे हैं, साथ ही जिसके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के बारे में उन्हें चेतावनी दी गई है, यदि 15 दिन के अंदर ये जरूरी दिशा निर्देश नहीं मानेंगे तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो कुछ बाहर से सप्लाई हुई हुई मिठाइयां यहां अंदर थी, तो उसको जिसके उनके पास अभी कोई बिल नहीं है और वो किसी कंपनी का पर्टिकुलर उसके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ कि किस कंपनी ने ये बनाई हुई है, तो उसको उसके लिए उसकी जांच जरूरी है, इसलिए हमने उसके सैंपल लिए और एनालिसिस के लिए भेज दिए। हाई व्यवस्था जो नहीं थी उसको भी हम नोटिस देंगे, जैसे किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसके भी हमने चालान किए हुए हैं। तो जो जो खामियां पाई जाएंगी, अगर लगता है कि वो रेक्टिफाई नहीं करते विद इन 15 डेज, तो हम लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे। इससे पहले भी हमने 12 सैंपल भरे हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने वाली है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई जारी रहेगी। सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति तो कर देता है, लेकिन त्योहारों में ये ही मिठाइयां इन्हीं अधिकारियों के नाकों तले सरेआम बिकती रहेंगी और विभाग सैंपल की रिपोर्टों का इंतजार करता रहेगा। फैसला आपके हाथ में है कि आप त्योहारों में किस तरह से इन मिलावटी मिठाइयों से बच पाते हैं। सेहत की दृष्टि से देखें तो ड्राई फ्रूट सबसे बेहतर त्योहारों के सीजन में रहेंगे और इन मिठाइयों को खरीदने से बचना चाहिए जिनमें ज्यादा रंगों का इस्तेमाल किया जाता हो।